बढ़ते आगे इधर अजमेर में एसीबी ने अहम कार्रवाई की। तकनीकी सहायक महेंद्र सिंह को यहां ट्रैप किया गया। 11,000 की रिश्वत लेते हुए दबोचा है एसीबी ने। एसपी सतनाम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। अजमेर में एसीबी की अहम कार्रवाई है। तकनीकी सहायक महेंद्र सिंह यहां पर ट्रैप हुआ है। 11,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने दबोचा है। एसपी सतनाम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। अजमेर में भी एसीबी की अहम कार्रवाई। तकनीकी सहायक महेंद्र सिंह ट्रैप हुआ है। तस्वीर आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एसपी सतनाम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। 11,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने दबोचा है तकनीकी सहायक महेंद्र सिंह को। अजमेर में एसीबी की बेहद अहम कार्रवाई। 11,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने तकनीकी सहायक महेंद्र सिंह को ट्रैप किया है। एसपी सतनाम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर। अजमेर से संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, अहम कार्रवाई एसीबी ने की है अजमेर में, पूरी जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल, जो एसीबी की टीम है उसने, अजमेर की टीम ने नसीराबाद के अंदर एवीवीएनएल के हाल में तकनीकी सहायक हैं जो उनको रंगे हाथों 11,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए जो उन्हें सतनाम सिंह एडीएसपी जो उन्हीं के निर्देशन में कार्रवाई की गई है, उन्होंने बताया कि जो आरोपी महेंद्र सिंह रावत है उन्हें परिवादी अलादीन पुत्र फाजिल को मतलब मैसेज करके उसने बताया था कि उसकी दुकान पर जो ग्रेफाइट की मशीन थी उसकी विद्युत लाइन की और कुएं पर लगी विद्युत लाइन को लेकर के उसकी फोटो खींची थी और फोटो खींचने के बाद उसको डिलीट करने की एवज के अंदर इसने 12,000 रुपए की राशि मांगी थी, लेकिन 12,000 का सौदा 11,000 रुपए के अंदर तय हुआ था और जिसके बाद आज वो रिश्वत की राशि लेके गया। और मौके पर ही एसीबी की टीम ने सत्यापन करने के बाद उसको ट्रेस कर लिया गया और उसको ट्रैप करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हालांकि अभी कार्रवाई जारी है। जो सतनाम सिंह की, उन्होंने कहा कि शाम तक अजमेर लेकर के आएंगे और कल न्यायालय में पेश किया जाएगा। एसीबी के द्वारा लगातार जा रही कार्रवाई को लेकर के अजमेर के अंदर तो हड़कंप मचा हुआ है, वहीं प्रदेश के अंदर में भी हड़कंप मचा हुआ है। लगातार अजमेर में भी एसीबी के द्वारा भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ हल्लाबोल कार्यक्रम चल रहा है और उसी के तहत कार्रवाईओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन आज जो एवीएनएल के अंदर जो कार्रवाई की गई है, जो सहायक कर्मचारी है उसकी कार्रवाई के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द ही पूरे मामले का एसपी शाम तक यहाँ पर खुलासा भी करेगी।